टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने के लिए तो अब महज मुट्ठी भर का समय बचा है। भारत का पहला ही मुकाबला एक बार फिर चिर प्रतिद्वंद्वी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। जी हाँ, भारत के अगर स्केड्यूल की बात की जाए तो भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है। 27 अक्टूबर को दूसरा मुकाबला खेला जाएगा जो कि रनर अप रहेगी टीम उसके खिलाफ, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ भी भारत को खेलना है। कुल मिलाकर भारत जो है 5 मुकाबले आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और अगर भारत को क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए तो फिर 4 मुकाबले तो हर हाल में जीतने ही होंगे। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। एशिया कप के अंदर भारतीय टीम जो है अपनी प्लेइंग 11 और कॉम्बिनेशंस को नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन अब जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, और इससे साफ हो गया है ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद कि भारत की क्या रहेंगी प्लेइंग 11 टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहने वाला है, क्या यहाँ पर रोहित ने तस्वीर साफ करी, आइए आपको बताते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप में भारत को ग्रुप नंबर 2 में रखा गया है, और जिसका जहां पर अगर देखेंगे तो पाकिस्तान की टीम शामिल है और साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जैसी टीमें हैं। ग्रुप बी की विनर भी और ग्रुप ए की रनर अप भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगी, जिसका जो है 16 अक्टूबर से जो है ये मुकाबले खेले जाएंगे क्वालिफाई के लिए, और उसके बाद सुपर 12 के मुकाबले यानी टॉप की 12 टीमें होंगी। 6-6 के हिसाब से 2 ग्रुपों में बढ़ जाएगी, टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में चली जाएंगी और वहां से 1-1 टीम फाइनल में भी चली जाएंगी। लेकिन भारत टीम का प्लेइंग 11 क्या रहेगा, अब आइए आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत की प्लेइंग 11 रहने वाली है। साफ तौर पर जाहिर है प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा का खेलना तय है, ये जो है टी20 में विस्फोटक अंदाज में ओपनिंग देने के लिए जाने जाते हैं। तो रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 में खेलना तय है, इनके साथ में KL राहुल भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये वाइस कप्तान है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। जी हां, तो कुल मिलाकर ओपनिंग बैटल तो भारत की पहले से ही तय है, रोहित शर्मा के साथ में KL राहुल नजर आने वाले हैं, लेकिन तीसरे पायदान पर विराट कोहली का खेलना भी तय है। विराट कोहली रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी शानदार फॉर्म और लय में नजर आए, डू एंड डाई मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। चौथे पायदान पर सूर्य कुमार यादव का भी खेलना तय माना जा रहा है, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मुकाबले में प्रदर्शन किया उसे साफ तौर पर जाहिर है कि टीम इंडिया की अब वो पहली ही पसंद रहने वाली है। चौथे पायदान पर मैदान के हर कोने में रन बनाने की ये क्षमता रखते हैं, इस लिहाज से ये चौथे पायदान पर आपको नजर आएंगे। पांचवें पायदान पर हार्दिक पांड्या का खेलना तय है, हार्दिक पांड्या सिक्स सेटिंग के लिए जाने जाते हैं, उसके साथ में जो गेंदबाजी लाइनअप में वो काम कर सकते हैं इससे अच्छा ऑलराउंडर कोई हो नहीं सकता है फिलहाल इस वक्त में, इसीलिए हार्दिक पांड्या का भी खेलना तय माना जा रहा है पांचवें पायदान पर। छठवें पायदान पर चूंकि दिनेश कार्तिक है शानदार फिनिशिंग और टच के लिए जाने जाते हैं, दिनेश कार्तिक ने अपने फिनिशिंग के दम पर कुछ मुकाबले भारत को जितवाए हैं, न केवल भारत बल्कि आरसीबी के लिए भी कमाल का खेल इन्होंने दिखाया था, इसीलिए छठवें पायदान पर इनका खेलना तय है। सातवें पायदान पर नाम अक्षर पटेल का आता है, अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में शानदार और कमाल की गेंदबाजी करी है। जडेजा फिलहाल चोटिल है जिसकी वजह से बाहर है, लेकिन अक्षर पटेल विकेट टेकिंग गेंदबाज बन चुके हैं, टीम इंडिया की पहली पसंद होंगे अगर स्क्वाड में जडेजा भी भले ही शामिल हो जाएंगे तो, फिलहाल होने वाले हैं नहीं। लेकिन इसकी बात आप बात करते हैं सातवें पायदान के बाद स्पिन डिपार्टमेंट में, तो युजवेंद्र चहल का खेलना तय है, विकेट टेकर ये गेंदबाज हैं, फिरकी में फंसाते हैं, विकेट के लिए जाने जाते हैं, तो कुल मिलाकर वैसे तो फिलहाल इस फॉर्म और लय में नहीं है वो, लेकिन आठवें पायदान पर चहल का खेलना तय है। लेकिन अब बात करते हैं तीन तेज गेंदबाजों की जो आपको नजर आएंगे, ऐसे तो एक तेज गेंदबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या पहले से ही है, लेकिन अब तीन तेज गेंदबाज इसमें देखें तो जसप्रीत बुमराह का खेलना तय है। जसप्रीत बुमराह शुरुआत के ओवर तो करवा ही सकते हैं, लेकिन डेथ ओवर के कमाल के गेंदबाज है, और जरा सोच के देखिए जसप्रीत बुमराह की डेथ ओवर की गेंदबाजी के साथ में मिल जाए अगर जी अर्शदीप सिंह, जी हां, तो फिर क्या ही कहने, डेथ ओवर में टीम इंडिया का पलड़ा मजबूत हो जाएगा। अर्शदीप सिंह के आने से टीम इंडिया को मजबूती मिल जाएगी और इनका भी टी20 वर्ल्ड कप में खेलना तय माना जा रहा है। लेकिन इनके साथ में एक और तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षल पटेल को मौका मिलेगा या फिर भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को मिलेगा
मौका T20 वर्ल्ड कप में। अब आप क्या सोचते हैं, क्या भुवनेश्वर या हर्षल, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। बाकी कुछ इस तरह से रहेंगी टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग 11। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं।